Hi guys, welcome back to my channel. This is Talika और आज हम जा रहे हैं Munich City, जो कि है capital of the state Bavaria. और Ingolstadt से हमें करीबन 45 minutes लगता है by car, by kilometer ये पड़ता है करीबन 80 kilometers Ingolstadt से. और आज हम जिस जगह आपको लेकर जा रहे हैं वो है Nymphenburg Palace, जो कि one of the tourist attractions है Munich के. हमारा ये first time है. Munich हम काफी बार जा चुके हैं, पर Nymphenburg Palace हम first time जा रहे हैं. और इस बार हम अकेले नहीं जा रहे हैं, हम आपको भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं. तो चलिए देखते हैं. ये सामने राइट साइड में जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये काफी पॉपुलर फुटबॉल स्टेडियम है. इसे Allianz Arena कहते हैं और ये बायर्न म्यूनिख का होम स्टेडियम है. अगर आप फुटबॉल फैन हैं तो आपको इसके बारे में पता ही होगा. तो अभी हम हाईवे छोड़कर म्यूनिख सिटी एंटर कर रहे हैं. आप देखिए यहाँ पे कितने बड़ी बड़ी बिल्डिंग सामने. और चलिए चलते हैं, अब हम पैलेस के प्रीमाइसेस में एंटर करते हैं. तो दोस्तों ये है वो Nymphenburg Palace जिसके बारे में हमें आपको बताया था. तो हम वहाँ पे अभी पहुँच चुके हैं. आप पीछे वाले एरिया को देखते हैं, ये पूरा फैला हुआ जो एरिया है वो पूरा Nymphenburg Palace है. और अगर आप कार से यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं पार्किंग की बहुत अच्छी सुविधा है. ये पूरे गार्डन के पेरिफेरी में आप पार्क कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. बहुत अच्छी व्यवस्था है. वैसे तो हमने आज यहाँ पे इतने सारे लोगों का आना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन लगता है कि तेज धूप और शानदार मौसम होने के कारण ये लोग यहाँ आए हैं. जर्मनी की खास बात ये है कि यहाँ पे आप अपने डॉग को अपने साथ हर जगह ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आज मिसी को अपने साथ यहाँ पे लाया है. लेकिन सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको अपने डॉग को लीश में रखना है. ये देखिए, इसे कहते हैं दो हंसों का जोड़ा. अब मेरे सामने की जो इमारत आप देख रहे हैं ये Nymphenburg Palace का मेन बिल्डिंग है. पैलेस एंटर करते ही पैलेस और उसके आसपास के एरिया का आपको एक मैप मिलेगा जो आपको गाइड करता है पैलेस घूमने में और उसके रिलेटेड कुछ जानकारी देने में. तो पैलेस के अंदर एरिया में साइकिल अलाउड नहीं है, आप घास में नहीं जा सकते और डॉग्स को हमेशा लीश में रखिएगा. वैसे तो पैलेस का म्यूजियम अभी कोविड के चलते बंद है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आकर्षक है उसकी आसपास की जगहें और मोस्टली लोग उसी के लिए यहाँ आते हैं. स्पेशली ये कोविड के लॉकडाउन के दौरान ऐसे कभी कभी अच्छे मौसम में बाहर फ्रेश एयर का लुत्फ़ उठाना और धूप का लुत्फ़ उठाना काफ़ी अहम है. तो ये है पैलेस, जो पीछे के साइड से पैलेस ऐसा दिखता है. पैलेस के पार्क में एक लंबा सा वाटर कैनल है और अब देखिए ये कितने दूर तक फैला हुआ है और लोग इसके आसपास वॉक कर रहे हैं. Sunday, the sun.
छोटा सा एग्जीबिशन है यहाँ पे, गांव कैसे होते हैं उसके। ये जो आप जंगल एरिया देख रहे हैं ये पैलेस के थोड़े इंटीरियर में है और हमें वॉक कर रहे हैं यहाँ पे। धूप का मजा लेते हुए हम, कैसे लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया। एक साल से कोविड चल रहा था, हम लोग सोच रहे थे कि हम बाहर निकल पाएंगे या नहीं, घूम पाएंगे या नहीं, बट अभी थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस कम हुआ, मतलब हम ऐसे आउटस्कर्ट में घूम सकते हैं, ओपन एरिया में विदाउट मास्क हम घूम सकते हैं, तो उसी का थोड़ा मज़ा ले रहे हैं हम। ये पैलेस के साथ लगा हुआ है जंगल सा एरिया है, यहाँ पे लोग हाइक कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। ये दरवाजे चले हम अंदर? तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये निम्फनबर्ग पैलेस टूर कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, टेक केयर।